हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप लोग सब अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीजी प्लांट के बारे में। उससे पहले मैं आपको देखिए हिबिस्कस का फ्लावर दिखाता हूँ। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डबल कलर में है ये, येल्लो एंड रेड। देखिए बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, एक फ्लावर ऊपर है और बडिंग भी हो रही है। और आज दिसंबर की 8 तारीख है। और देखिए उसके बगल में ना जरबेरा भी काफ़ी अच्छा फ्लावर है, परमानेंट प्लांट है। और इसकी फ्लावरिंग भी आराम से 10-15 दिन तो रहती है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीजी प्लांट के बारे में, जिसे हम जेमी कैलकस जेमी फोलिया के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीजी प्लांट, और फुल फॉर्म है जेमी कैलकस जेमी फोलिया। ये एक पेरिनियल प्लांट है, एक परमानेंट प्लांट है, एंड इसको हम कॉमनली जानते हैं जीजी प्लांट, जूजू प्लांट एंड जेंजीबार जेम्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज यूज फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर डेकोरेशन। एक बहुत ही खूबसूरत और बेस्ट हार्डी इंडोर प्लांट है। आज हम बात करेंगे इसकी सॉइल के बारे में, इसकी प्रोपगेशन, इसकी वाटरिंग एंड लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक ब्लैक जीजी प्लांट है, इसे जीजी रेवन के नाम से जानते हैं। और देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत है, ब्लैक कलर की लीव्स होती हैं इसकी फॉलेज, और जब न्यू लीव्स आती हैं वो पहले ग्रीन होती हैं और स्लोली स्लोली ब्लैक हो जाती हैं। और देखिए दोस्तों, मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करने वाला हूँ आज। ये देखिए इसकी लीव्स कुछ येलोइश हो रही हैं। इसकी रूट्स के अंदर होती हैं राइजोम्स लाइक पोटैटो, जैसे पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, आलू की तरह राइजोम्स होते हैं, जो आपको दिख भी रहे होंगे। ये देखिए इसको राइजोम्स बोलते हैं। और ये राइजोम क्या करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है, स्टोर करता है। और इसको हम वाटरिंग अगर हम 10-15-20 दिन में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे वेरी ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट, स्टोर कर लेता है मॉइस्चर। और ये देखिए राइजोम्स के अंदर स्टोर रहता है मॉइस्चर, और हम इसकी वाटरिंग 15-20 एक महीने में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम इसकी वाटरिंग ओवर वाटरिंग करते हैं तो इट गेट फंगस अटैक हो जाता है, राइजोम्स गलने लगते हैं और लीफ भी येलोइश होने लगती हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि इसको हम छोटे पॉट में लगाएं। द बिगर द पॉट, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो जाए। जब पूरी पॉट को कवर कर लेता है, रूट बॉन्ड हो जाता है, तभी हमें इसकी पॉट चेंज करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा रूट बॉन्ड हो चुका है और इसमें येलोइश भी हो रही है इसकी लीफ। तो हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, पहले रिपोर्टिंग करते हैं और देखते हैं इसके राइजोम्स भी चेक करते हैं, और सॉइल लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसे निकालते हैं। मुझे लगता है इसको ना तोड़ना पड़ेगा, ये निकल नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया लगता है। इसको ऐसे पीछे देखते हैं। ये दोस्तों कितनी ज़्यादा रूट बॉन्ड हो चुका है, और इसकी सॉइल भी मुझे काफ़ी गंदी लग रही है, काफ़ी क्लेश सॉइल है, इसको भी मैं रिमूव करने वाला हूँ। देखिए, और जो हम राइजोम की बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो राइजोम होते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं तो फंगस अटैक हो जाता है। अगर आपको जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, चेक करते हैं, अगर आपको दबते हैं तो हमें उस पार्ट को काट देना चाहिए और फंगस अटैक आके तब उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह के राइजम्स होते हैं, देखो पोटैटो की तरह। तो हमें इसको फंगीसाइड अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा।
राइजोम डैमेज हो गया यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, आई थिंक ये फंगस का टैग है तभी इसको येलो ही छोड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये राइजोम गल रहा था तो ये हमने हटा लिया, जितना खराब हिस्सा था तो हम इसमें थोड़ा वो कर लेते हैं, फंगिसाइड अप्लाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम सॉइल तैयार कर लिए, हमने थोड़ी सैंड ले ली है, थोड़ा सा कोकोपीट, नॉर्मल गार्डन सॉइल, राइस हस्क, कंपोस्ट, पर लाइट एंड थोड़े से कोयले, नीम खली और फंगीसाइड मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम अलग कर देंगे तो एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा, पर मैं इसको एक ही में लगा रहा हूँ, बुशर होता तो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे इसकी प्रोपोगेशन की, तो ये तो डिवीजन से प्रोपोगेट हो जाएगा, जैसे कि इसकी स्टेम बची है तो स्टेम को भी हम वाटर में डाल लेते हैं या फिर सॉइल में कंपोस्ट में डाल लेते हैं, तो उसमें भी रूट्स आ जाती हैं और एक नया राइजोम क्रिएट हो जाता है, फिर एक नया प्लांट आ जाता है। और एदर भी लीव्स प्रोपोगेशन भी हो जाती है, कट करके इसको पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं या फिर सॉइल में डालते हैं, तो राइजोम्स आ जाते हैं एक दो महीने में। बट ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस रहता है, एक प्लांट बनने में इसको अप्रोक्स एक साल लग जाता है लीफ प्रोपोगेशन से, तो सबसे बेस्ट रहता है इसका कप डिवीजन से प्रोपोगेशन। अब इसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं, ये देखिए अब इसकी रिपोर्टिंग के बाद मैं वाटरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी राइजोम्स काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है उन्होंने, तो अभी हम वाटरिंग मैं इसकी 10-15 दिन बाद करूँगा। देखिए दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है और ये अभी ऐसा लग रहा है, हम इसकी वाटरिंग नहीं करेंगे अभी फिलहाल कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन, तब तक इसका जितना भी घाव था वो रिपेयर हो जाएगा, फिर हम इसकी वाटरिंग करेंगे। और देखिए दोस्तों, जहाँ तक की बात की जाए लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में, तो ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, तो इंडोर के लिए बेस्ट हाउस प्लांट है, बिल्कुल लो लाइट टू मीडियम लाइट में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। और जहाँ तक बात की जाए इसकी ग्रोथ के बारे में, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है, फास्ट ग्रोवर नहीं है, आपको कभी कभी लगेगा कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। देखिए आप देख सकते हैं, ये मेरा प्लांट है काफ़ी पुराना है और इसकी ग्रोथ अब हो रही जाके, ये नए शूट्स आ रही है, इसकी ग्रोथ काफ़ी लेट हो रही है, तो कभी कभी काफ़ी टाइम लग जाता है नई ग्रोथ आने में, तो ये एक स्लो ग्रोवर है। और बात की जाए इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग वेरी करती है इसके साइज के अकॉर्डिंग, तो ये आपको 200 to 300 अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्लांट ईजिली मिल जाता है नर्सरी में। ये थोड़ी रेयर वैरायटी होती है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, 450 तक मिलती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।